मेरी तो जान आफत में है बेटा, समाज रिश्तेदार इतना जलील का मुझे दिन से खाना नहीं खाया। अरे कहते हैं कि अब मरने पर भी नहीं आएंगे, अरे एक चम्मच पानी नहीं देंगे, और अब डीएम इस डीएम ही तुमको खाना देंगे। हम यहाँ कुछ नहीं बताएंगे, आप परेशान ना हो, ठीक है? रोइए नहीं। डरे नहीं, आपका कुछ नहीं हो सकता है, आपके साथ सब कुछ है, आपकी डीएम बिटिया भी आपके साथ है, हम लोग भी आपके साथ हैं। देखो आपसे मिलने आ रहे हैं बार बार सब लोग, आप अकेले थोड़ी हैं। छत नहीं रहती, दहलीज नहीं रहती, दीवारों दर नहीं रहता, घर में बुजुर्ग ना हो तो घर घर नहीं रहता। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, अम्मा जी, और इन्होंने 2 दिन पहले अपने डीएम साहिबा से मुलाकात करने गई थी कुछ शिकायतों को लेकर। वीडियो काफी चर्चा में रहा, काफी वायरल हुआ। ये घटना है कानपुर देहात के एक गांव धौकलपुर की, और हमारे साथ हैं अम्मा। हम इनसे बात करेंगे कि क्या परेशानियां हैं इनको, क्या समस्याएं हैं। अम्मा अपना नाम बताइए पहले। कुसुम सिंह कुसुम सिंह। जी अच्छा, क्या दिक्कतें हुई थी, आप अपनी डीएम बिटिया के पास क्या परेशानी लेकर गई थी, आप हमें बताएं। सिर्फ हमने सोचा कि थोड़ा खर्च के लिए दिक्कत होती है, जी तो हमने ये सोचा कि हमारे पास तो प्रॉपर्टी नाम की मतलब है नहीं, क्योंकि 13-11 में मेरे पति एक्सपायर हुए थे। अच्छा, उस समय पत्नी का अधिकार नहीं होता था। अच्छा, तो खेती होती में मेरा नाम नहीं आया। अच्छा, तो 5-6 बीघा खेती है, एक लड़का है, बहू है, एक नाती है। तो थोड़ी सी जमीन जो कि 4 बीघा होगी, उसमें कई हिस्सेदार हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मुझे जो उससे जो मोदी की योजना है, क्या बोलते हैं, सम्मान निधि जो सरकार को देती नहीं खेत वालों, जी 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 किसान सम्मान निधि। हाँ जी, तो हमने सोचा कि हम समझे कि उसमें लाभ नहीं, तो हम लेखपाल के लिए जाते रहे। अच्छा, कि देखिए हम तो बोले कि चकबंदी में हम इंतखाब निकालने की कोशिश की, तो वो बोले कि चकबंदी में है, इंतखाब नहीं निकलेगा। तो फिर हमने उसको क्या किया कि लेखपाल पूछा कि लेखपाल कौन है, तो बोले हरिराम। तो हमारे राम से कहा कि ऐसा करो, इस हमारी जमीन में नाम कर दो तो हम फार्म डाल दें, पैसा आ जाए। अच्छा, पैसा मिलने लगे तो हमें सहूलियत हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, थोड़ी सी मतलब वैसे हमको कोई दिक्कत नहीं थी, लड़के के लिए हम लिखाना नहीं चाहते थे, क्योंकि लड़का प्राइवेट सर्विस करता है, कोई ज्यादा नहीं है, नहीं है, एक लड़का पढ़ाता है। लेकिन हमने इसलिए उसको लिख दिया कि अभी तक तो ठीक चलता रहा, यही शब्द लिखे हमने, जी जी, और आप थोड़ा देने को तैयार नहीं है लड़के बहू। अच्छा, आपको नहीं दे रहे हैं। नहीं, बात हमने लिखी, आपसे पूरी बात सुनी, जी। तो हम इसलिए लिख दिए कि ऐसा हमारा वो होगा तो थोड़ा कुछ व्यवस्था कर देगी सरकार, तो हमको इनके ऊपर लोड नहीं। अच्छा, ये मतलब था। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ घर में अकेले रहती हैं? जी हाँ। और खाना कैसे बनाती हैं, खाना अपने आप से बनाती हैं? हाँ, बेटा बना लेते हैं। और बहू बेटे कहाँ रहते हैं आपके? यही पास में है। पास में है, खाना नहीं बना के देते, साथ में नहीं रखते आपको? साथ में गए, वहाँ एक छोटा सा कमरा लिए हैं जी, और उसमें बहू बेटे के साथ नहीं बन पा। आपकी उम्र कितनी है माँ? 67 ईयर। 67? 77 है। अच्छा, तो आपको जो आर्थिक तंगी आती है पैसे वगैरह की, कैसे आप मैनेज करती हैं? अभी तो वृद्धावस्था की पेंशन मिल रही है। अच्छा, तो हम सोचे थोड़ा और सहयोग हो जाते हैं, बिल्कुल। हाँ, परेशानी रहती है घर में और दिक्कत हो जाती है, 1,000 में क्या होता, क्या होता है, सही बात है। हाँ, और इतने बड़े घर में आप अकेले रह रही हैं, हाल खबर लेने आते हैं बच्चे बहू? हाँ,
बात है, हम अब लड़की बहू की बुराई नहीं करना चाहते, हम तो माँ से बहुत जलील हो गए। क्यों माँ? अरे निकलना मुश्किल है बेटा, अगर आप कह देंगी तो आपका निकलना समाज मुश्किल कर देगा। अरे लेकिन ये समाज की ही तो कुरूती है, जो हमारे बुजुर्ग दर दर भटक रहे हैं। आज बुजुर्ग को हमारे आपको आपको डीएम के पास जाना पड़ा अपनी शिकायत लेके, क्योंकि उन्होंने मजबूर किया ना, तभी तो आप नहीं, आप क्यों डर रही हैं इस बात से? समाज को इतना ही डर है तो आपको अपना लेना, आपको एक कोने में एक घर में अकेला ऐसे क्यों छोड़ देते हैं लोग? आज हमारे बुजुर्ग जो है 30% ही ऐसे बुजुर्ग हैं जो कानूनी कार्रवाई अपनाते हैं, लोग लज्जा के डर से या फिर सामाजिक बुराइयों की वजह से अपमान को बर्दाश्त करते रहते हैं। बुजुर्ग हमारे कितना भी अपना अपमान कर लें लेकिन हमारे बुजुर्ग कभी मुंह नहीं खोलते हैं, क्योंकि उन्हें डर रहता है कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए बहू बेटी की, या फिर आसपास के जो रिश्तेदार हैं कहीं उनकी बदनामी ना हो जाए। चाहे बेटी हो या बेटा, किसी के भी नाम अगर बुजुर्ग की ट्रांसफ़र हुई है प्रॉपर्टी, तो अगर वो उनकी देखभाल नहीं करते हैं, उनको अपने साथ नहीं रखते हैं, उनकी आर्थिक मदद नहीं करते हैं, तो वो ट्रांसफ़र जो बुजुर्ग ने किया है अपनी प्रॉपर्टी का, वो रद्द भी हो सकता है, ये कानूनी प्रावधान है। ये आपने ही लिखा है? जी जी। अच्छा, हैंड राइटिंग की तो आपकी बहुत तारीफ हो रही है, बहुत अच्छी है। कितना पढ़ाई किया है आपने? 5 तक पढ़ाई किया है। और हैंड राइटिंग इतनी VIP, इतनी जबरदस्त है आपकी, किसी ने बताया है आपको कि इतनी अच्छी हैंड राइटिंग है आपकी? बहुत तारीफ हो रही है सोशल मीडिया पर, जो आपका ये लेटर वायरल हुआ है डीएम बिटिया वाला। मेरी तो जान आफत में है बेटा। क्यों अम्मा, क्यों ऐसा बताया ना? समाज रिश्तेदार इतना जलील का, मुझे दिन से खाना नहीं खाया। अरे क्यों जलील कर रहे हैं अम्मा, क्या बोल रहे हैं? बहू बेटे के दुश्मन हो गए हैं। फिर मैंने कल पत्रकार को बुला के कहा कि ऐसा मत छापो, आए थे कल, जीना दुर्भर हो गया। अच्छा, आप जो बच्चे के खिलाफ चली गई, इस वजह से ये लोग जीना हराम कर दिए हैं आसपास के लोग हैं, रिश्तेदार नातेदार, रिश्तेदार नातेदार। आप ओपन नहीं करें? नहीं नहीं नहीं, कहते हैं कि मरने पर भी नहीं आएंगे। अरे एक चम्मच पानी नहीं देंगे, और अब डीएम ही तुमको खाना देंगे। मरने पर नहीं आएंगे बोल रहे हैं, डीएम के पास आप गई तो वही खाना देंगे आपको। आप रोए नहीं अम्मा, रोए नहीं, हम लोग हैं ना आपके साथ, ये समाज ऐसा ही है। आप तो इतनी उम्र हो गई आपकी, आपको कितना तजुर्बा होगा आप सोचिए, और कितना कितना आपने कुछ सहा होगा, झेला होगा, तब आप गई हैं डीएम के पास। ऐसे इतना बड़ा कदम थोड़ी उठाएंगी आप। कब से अकेले रह रही हैं अम्मा यहाँ पर घर पे? 14 साल से आप यहाँ अकेले रहती हैं, और खुद से खाना बनाती हैं, खाती हैं? किस पर बनाती हैं, चूल्हे पर बनाती हैं? चूल्हे में भी बना लेते हैं, कभी कभी दे जाते हैं, जैसे 1 किलो आलू दे गए। अच्छा, आटा दे गए 5 किलो। कौन दे देता है आसपास के? लड़का दे देता है कभी कभी, गैस भरा के दे जाते। अच्छा, गैस वैस भरा देते हैं। और दवा पानी कैसे आता है अम्मा? वही जो पेंशन मिलता है आपको। चलो जो हो गया, अब इतना काट लिया, हमसे गलती हो गई बेटा, अब ना कर कुछ। नहीं अम्मा नहीं, हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि आपसे गलती हो गई है? हमारी सभी बुजुर्गों का ऐसा ही हाल है। गलती है कि समाज में सिर ऊंचा करके चल नहीं पा रहे हैं, हम उसमें से बाहर नहीं निकले। लोग बहुत जलील करते हैं कि कैसी माँ है, पिशाची नहीं कि एक बच्चे के बहू के नाम ऐसे कर। लेकिन अम्मा उनसे कौन, उनको ये पता होना चाहिए ना कि आप यहाँ अकेले रह रहे हो, तो एक बार बच्ची को उन्होंने बोला कि माँ के पास रहें, आकर उनकी देखभाल करें। आपकी ये उम्र है, आप इस अवस्था में सबसे ज़्यादा आपको अपने बच्चों की ज़रूरत है, वो शहर में रह रहे हैं, आपको ऐसे अकेला छोड़ दिया। क्या ये समाज ने कभी सवाल किया बच्चे से, जो आप चली गई अपने अधिकार के लिए,
आपके पास खर्चे की कमी आ रही है तो आप चली गई, तो आप ये बोल रहे हैं कि डीएम ही देंगे, इसमें बुरा क्या है? आप गए तो आप डर क्यों रहे हैं? डर लग रहा है आपको? आप पछतावा हो रहा है अम्मा? पछतावा हो रहा है आपको? समाज का दबाव बन रहा है अम्मा, समाज का ना, तो रिश्तेदार सब लेटर लिखेंगे तुम्हारे सब, क्यों किया, क्या कैसे किया, क्या तुम एक पिशाची हो, ये है वो, बस बच्चे को छुपा दे दे। क्या चाहती हो अम्मा, अब क्या चाहती हो आप? कुछ नहीं है, मेरे चाहे थोड़ा बहुत ये पेंसिल उन्सिल का सहयोग मिल जाएगा थोड़ा। अच्छा, तो अपना खाते पीते रहेंगे, जिंदगी तो कैसे कटेंगे। बच्चे ने कुछ बोला आपसे, मिलने आए थे आपसे? नहीं, बहू आई थी तो गुस्सा हुई तो मेरे पास नहीं आई, जो खड़ी थी घर में बैठ। बहू आई थी तो आपको गुस्सा हुई थी? हमसे गुस्सा नहीं हुई, लेकिन अपने गुस्सा थी हमसे बोली ही नहीं। अच्छा, क्योंकि आप गए थे जो डीएम के पास, वहीं बैठी है, हमको मिल गई तो हमने फिर कहा कि चलो बेटा हमसे गलती हो गई, हम इतना लिख दिया है। अच्छा, बहू आई थी आपसे मिलने तो आपने उनसे बोला कि हमसे गलती हो गई? हाँ। तो क्या बोले? हमारे पास नहीं आई थी, इन लोगों के पास आई थी, तो हम घर गए, इन लोग के पास बैठ जाते हैं, हमने कहा कि चलो हमसे गलती हो गई भाई, हमने अधिकार के लिए लिख दिया था जी। कि ताकि हमको पेंशन मिलने लगे, तो हम सोचे कि यदि थोड़ा ऐसा लिख देंगे तो हमको ज्यादा सुनवाई होगी, इस वजह से हमने लिख दिया था। हाँ। आपके नाम नहीं है क्यों? इसलिए कि 13/11/81 में एक्सपायर हुए, उस समय पत्नी का अधिकार नहीं होता था। अच्छा अच्छा, तो किसके नाम है अभी वो? लड़के के नाम है। अच्छा, लड़के के नाम। हाँ, 5-6 बीघा है। तो मैंने सोचा सुना देते हैं, लेकिन किसी के देने से पूर्ति तो नहीं होती, अपना खर्च कुछ निजी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई जरूरत पड़ गई, अकस्मात बीमार हो जाओ या कैसे हो जाओ, तो कहाँ लेने पर। तो मैं सोची कि ये पेंशन मिल जाए, थोड़ी खेती है तो वो लोगों ने बताया कि चारों विश्व हो तो किसान सम्मान का योजना का लाभ मिल जाता है, इस उद्देश्य से हम गए थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ तबीयत वगैरह ठीक रहती है आपकी? हाँ, तभी इस समय ऐसा है कि थोड़ा मेरी छोटी लड़की के कैंसर हो गया। अच्छा, उसके जी हो गया, तो इसलिए मैं विशेष रूप से बहुत टेंशन, मन स्थित मेरी ठीक नहीं। रोइए नहीं अम्मा, रोइए नहीं, ठीक हो जाएंगी आपकी लड़की। और आप क्या ठीक होंगे? ओ, 4 महीना बड़ोदरा में एडमिट रही, अब इस समय इंदौर में इलाज हो रहा, मैं गई थी एक बार देख आई। अच्छा। इसलिए और बहू बेटे की हम कोई बुराई नहीं लिखा है, हम तो केवल इसी उद्देश्य से गए थे, आपसे बताया कि हमको पेंशन मिलने लगे तो अपना निजी खर्चा, मान लो 100 देते हैं, हमें 100 में पूरा नहीं होता तो हम सोचते हैं कि इधर से मिल जाएगा तो हमको हो जाएगा। नहीं, कोई गलत नहीं किया आपने, आपका अधिकार है, आप वोट करती हैं सरकार को, है ना, और अगर ये समाज का दबाव या लोगों का दबाव तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समाज जब हमारे बुजुर्ग जब एक कोने में पड़े रहते हैं तो समाज नहीं बोलता है बच्चों से कि इन्हें सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, और अगर बुजुर्ग कोई कदम उठा लेते हैं तो बच्चों का अपमान हो जाता है, ये कैसा समाज है? क्या समाज में जो लोग बोल रहे हैं वो कभी बुजुर्ग नहीं होंगे, उनके बच्चे उनके साथ कुछ नहीं करेंगे? इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देना जो समाज करता आ रहा है, अरे आपके भी तो बच्चे देख रहे हैं, आपके साथ भी तो वही करेंगे जो अपने आप अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है वीडियो, बूढ़ी माँ है और वाजिब भी है, होना चाहिए, जागरूकता समाज में आनी चाहिए। जिस समाज को इतना भय है, इतना डर है कि बेइज्जती हो जाएगी, उस समाज की जो ये लीला है ना, ये समाज के सामने आनी चाहिए कि आपके खिलाफ भी आवाज़ें उठ सकती हैं, अगर आप अन्याय करेंगे तो आपको भी, आपके लिए भी प्रावधान है कानून में बहुत सारे। तो जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर पसंद आता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारा, और अपना
कमेंट प्यारा प्यारा सा जरूर दीजिए। फिलहाल आप देखते रहें मेरी पड़ताल।